हेलो दोस्तों, आपके स्वागत है मेरे जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कुल सचिव के लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स एवं इसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले अपन बुक्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद तैयारी की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर के लिए बुक्स। तो पहले यूनिट में क्या है, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, लाइक दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस से होती है, इवन ओजोन डिप्लीशन क्या है, मतलब ओजोन क्षरण कैसे होता है, और बहुत ही जैसे लाइक फूड चेन क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, आप इसे ल्यूसेंट से पढ़ें। ओके, चलिए अपन सेकेंड यूनिट की बात करेंगे। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, इसमें आपको पीडी लेना होगा। पीडी मतलब प्रतियोगिता दर्पण, ईयरली वाली, ठीक है ना, 2016 से लेकर के 17 और 18 जितना आधा हो चुका है, मतलब मार्च तक देखें। हम थर्ड यूनिट की बात करेंगे भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत, इसे भी आपको लिसन से ही पढ़ना है। फोर्थ यूनिट भारत का भूगोल, इसे भी आपको लिसन से ही पढ़ना है। फिफ्थ भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, इसको भी ल्यूसेंट से पढ़ना है, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा ल्यूसेंट से, ठीक है। यदि हम सिक्स यूनिट की बात करें तो आपको भारत इतिहास एवं विश्व के प्रमुख खेल कूद एवं खेल प्रतियोगिताएं पुरस्कार तथा प्रसिद्ध व्यक्ति, इसको आप ल्यूसेंट से पढ़ें। मध्य प्रदेश को आप अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हैं या कि फिर MC ग्रेवल हिल बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है ना, तो आप उससे इसको पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो पुणेकर की भी ले सकते हैं या कि फिर महावीर की ले सकते हैं, फॉर मध्य प्रदेश की बात करें तो। और यदि हम इंडिया की बात करेंगे, एशिया की बात करें, तो आपको लिसेंट से ही पढ़ना है। चलिए अपन और आगे देख लेते हैं। सेवन्थ की बात करेंगे तो आप इसे अरिहंत से पढ़ेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश का भूगोल एवं इतिहास तथा संस्कृति और पढ़ सकते हैं, महावीर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और या कि फिर MC ग्रेवल हिल्स, ये बहुत ही अच्छी बुक है। एट्थ नंबर की बात करें तो आप इसे भी कॉमन, जो कि अरिहंत की बुक आपने ली है, उससे पढ़ सकते हैं। चलिए अपन आगे और देख लेते हैं। नाइन्थ नंबर, इसे कहीं जर्नल मैथ्स हो आपके पास, एक जर्नल रीजनिंग हो, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, या कि फिर आपने यदि MPPSC की तैयारी कर रहे हो, आपके पास अरिहंत की हो समान मानसिक योग्यता, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। टेंथ यूनिट की बात करें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें आपको सिंपल कोई भी कंप्यूटर की बुक्स हो, जो कि अभी लेटेस्ट हो, ठीक है ना, तो आप उस बुक से पढ़ेंगे, सब कुछ मिल जाएगा ऑनलाइन भी वेबसाइट। लेकिन याद रखें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ें, है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ईमेल पे, वीडियो मेल पे, इसके सारे फंक्शन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चैटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, हैकिंग की, क्रैकिंग की, वायरस एंड साइबर अपराध, ठीक है ना, वायरस कितने प्रकार के होते हैं ना, साइबर अपराध किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बुक लेनी है आपको फर्स्ट पेपर के लिए, लिसन ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, लिसन अब सब्जेक्टिव टाइप, MP के लिए अरिहंत ले लें या कि महावीर, पुणेकर, सब चलेगी। MC ग्रेवल हिल्स भी ले लें, बहुत अच्छी बुक है और बहुत एक अच्छा तरीका है। यदि आप चाहें तो MP गवर्नमेंट की डायरी आती है, शासन निकालता है, यदि आप उसे परचेस कर लेंगे तो इट बेस्ट, क्योंकि उसमें सब कुछ फैक्चुअल रहता है, मतलब फैक्ट रहता है, और कोई भी उसमें डाउट तो रहेगा ही नहीं रहेगा, यदि आप उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। सेकेंड पेपर के लिए बुक्स विश्वविद्यालय एवं शिक्षा प्रशासन, यदि हम पहले टॉपिक की बात करें अध्ययन बोध, इसमें हिंदी और अंग्रेजी के पैसे जाएंगे, तो आप तो इसके लिए कोई बुक्स ना लें तो अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत ईजी आते हैं, आपसे आ जाएंगे। चलिए अब हम संचार की बात करेंगे। तो संचार के लिए आपने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा होगा, कब, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब UG कर रहे थे तब, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, या कि फिर चाहें तो ऑनलाइन सर्च कर लें और वहीं से नोट्स बना करके पढ़ें, ठीक है। यदि हम थर्ड यूनिट की बात करें, सेकंड पेपर में ये है ना कि हर एक टॉपिक अलग अलग फील्ड से हैं, तो आप एक बुक परचेज कर भी लोगे तो सिर्फ एक टॉपिक का करोगे, है ना, पूरा का पूरा टॉपिक तो आएगा नहीं साथ में। जैसे उस शिक्षा को ले लो, तो ये एजुकेशन फील्ड से है, कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे,
एक चीज़ और बता दूँ, यदि नोट्स आपको इंग्लिश में मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसे घबराइए नहीं कि आपको हिंदी में चाहिए, आप इंग्लिश में नहीं कर सकते। आपने पीजी करी है ठीक है ना, तो आपने कहीं ना कहीं उसमें तो इंग्लिश में ही करी है ना, तो सो आप सब कर सकते हैं। आप बस एक एक टॉपिक को उठाइए डेली और आपको सर्च कीजिए ऑनलाइन, और पीडीएफ में या फॉर्मेट में आप सर्च करना और आप में मिल जाएगा आपको। आप चाहो तो बीएड की बुक से भी देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यदि आपके पास बीएड की बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको MHRD मिनिस्ट्री के साइट से आप इनकी इकाइयों को समझें ठीक है ना, और नोट करें कॉपी पे, क्योंकि ये सारे टॉपिक अलग अलग फील्ड से हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। डी नंबर की बात करेंगे तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठनों के उद्देश्य, आपको इसे इकोनॉमिक्स के बुक से ही पढ़नी पड़ेंगी, तभी जा कर के आपका डाउट क्लियर होगा है ना। और आप चाहें तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। फोर्थ नंबर की बात करें समान प्रशासन की, केंद्र एवं राज्य प्रशासन में संबंध, तो आप इसे पॉलिटी की बुक से पढ़ सकते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के क्या प्रशासन है ठीक है, आयुक्त, कमिश्नर, जिलाधीश, कलेक्टर एवं तहसीलदार की भूमिका क्या है, तो आप इसे पॉलिटी की बुक से ही पढ़ेंगे ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संगठन एवं कार्य एवं भर्ती एवं प्रशिक्षण, तो आप इसे अरिहंत की बुक से भी पढ़ सकते हैं जो आपने MP गजी के लिया हुआ है, और साथ साथ में चाहें तो MC ग्रेवल हिल्स आपके पास बुक है तो आप उससे भी क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, पॉलिटी की बुक पे मिलेंगी। यदि हम फिफ्थ यूनिट की बात करेंगे, शैक्षणिक प्रशासन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत इजी तरीके से मिल जाएंगे। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी में जा कर के आप एक डायरी परचेस कर लें तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ ही टॉपिक मिलेंगे। तो मैं तो ये कहूँगी आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें सर्च कर लें PDF में और उनके नोट्स बनाएं, क्योंकि इतना सारा पढ़ना वो भी एक साथ एक ही बुक में नहीं मिल पाएगा, सब कुछ अलग अलग नोट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, यदि ये चीज़ बहुत पहले आती ना, ये वैकेंसी बहुत पहले आती तो कहीं ना कहीं बुक्स भी अवेलेबल होती मार्केट में और आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते थे, लेकिन अब आपको खुद से ही मेहनत करनी है। चलिए सी विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था, आप इसे टाइप करें गूगल सर्च पे ठीक है, सारी चीज़ें आ जाएंगी, समन्वय समिति, कार्य परिषद, अकादमी परिषद, उसकी स्थायी समिति, अध्ययन मंडल, परीक्षा समिति, या कि फिर एक एक करके आप सारे टॉपिक को भी ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन पे ठीक है। यदि हम सेकंड की बात करेंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिखा कंप्यूटर का उपयोग क्या है, पेपर रहित कार्यालय, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स की अवधारणा, टैली की चेतना एवं बोध, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही सर्च करके पढ़नी है ठीक है। बार बार मैं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन पढ़ना है तो आप इरिटेट हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है क्योंकि आप ऐसे बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि हम सिक्स नंबर की बात करें वितरण बजट, तो आप इसे पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स की बुक से ठीक है ना, और ऑनलाइन भी सर्च कर लें। चलिए अपन देखेंगे तैयारी कैसे करें इसकी। जब हम तैयारी की बात करते हैं तो टारगेट डिसाइड कर लेना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स लेके आने हैं आपको, सेकंड पेपर में कितने हैं। यदि हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे तो आपको 142 से लेकर के 145 तक मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि ये सबके मार्क्स इसमें गेन हो सकते हैं, पोस्ट कम है, 29 पोस्ट है, सो कहीं ना कहीं यदि फर्स्ट पेपर में जिसने अच्छी स्कोरिंग कर ली तो शायद उसके चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। और वैसे भी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है। यदि हम सेकंड पेपर की बात करेंगे तो आपको 150 क्वेश्चन में से आपको 130 से लेकर के 140 तक मार्क्स आपको सही करना होगा है ना, सॉरी क्वेश्चन सही करने होंगे, क्योंकि यदि आपने 130 तक कर लिए तो चलिए अपन टोटल करेंगे नंबर को ठीक है ना। अपने पास टोटल नंबर कितने हैं, 450
ठीक है ना। और मान लीजिए आपने फर्स्ट पेपर में गेन किए कितने, 145। और मान लीजिए आपने सेकेंड पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए, 140, है ना। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का था, तो 14 × 2 = 280, ठीक है ना। तो टोटल करेंगे कितना आएगा, 5 × 2 = 425। यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 425 में तो पक्का है। यदि आपका इंटरव्यू भी सही नहीं जाता, मतलब मार्क्स कम आते हैं, तो रुकेगा नहीं, आपकी मेरिट लिस्ट नहीं रुकेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन याद रखें, टारगेट आपको इसी प्रकार से रख, आपके पास है 2 मंथ्स आज से यदि हम बात करेंगे तो, ठीक है ना, तैयारी के लिए। दूसरी बात, इसमें सिर्फ ओनली प्री है, मेंस नहीं है, और इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब आपको बिना मेंस निकाले इसके बाद तो मिलेगी नहीं, तो बहुत अच्छा चांस है आप इसे, इस जॉब को कैच कर लें, ठीक है। तो अब चलिए अपन पेपर पे जाते हैं। फर्स्ट पेपर की बात करेंगे तो प्री 2007 से लेकर 2017 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए MPPSC के, तो वो ओल्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करें, डाउनलोड करें। कुछ हाँ, कुछ अननेसेसरी टॉपिक हैं, जैसे SC ST एक्ट है, प्री में है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो आप उसे ना देखें। जो तो काम का हो उससे उसे देखना है आपको, ठीक है। यदि अपन सेकंड पेपर की बात करेंगे तो सेकंड पेपर में आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, नोट्स भी बनाने होंगे आपको, ठीक है, सेकंड पेपर के। फर्स्ट पेपर में नोट्स ना बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको फर्स्ट पेपर के लिए आपको 4 घंटे देने हैं, ठीक है, और रिवीजन के लिए 1 घंटे और एक्स्ट्रा, ठीक है। यदि हम पेपर सेकंड की बात करेंगे, पेपर सेकंड में भी आपको 4 घंटे देने हैं और 1 घंटा एक्स्ट्रा फॉर रिवीजन, जो आपने पढ़ा है सिर्फ ये 1 दिन में करने हैं, मतलब आपको 10 घंटे देने हैं और 2 घंटे करंट अफेयर्स के। ये बताइए, अब 2 मंथ्स में ये सब कर लेंगे तो कितनी अच्छी बात रहेगी, आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, इवन आपके पास जॉब हो जाएगी, है ना। तो यदि आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल टाइम टेबल बता दूँगी आपको।